गुड मॉर्निंग, मेरा नाम शशिकांत है और मैं इसरो में साइंटिस्ट जॉब कर रहा हूँ। हम लोगों ने अभी एक नया अटेम्प्ट स्टार्ट किया है, डाउट क्लिनिक। इसके अंडर कंट्री के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स से स्टूडेंट मैथ्स एंड फिजिक्स में अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। ये जो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, ये डाउट है बाई अ स्टूडेंट फ्रॉम फिटजी रांची और टॉपिक है इनक्वेशन। ये सेकेंड डाउट है, ठीक है, सेकेंड डाउट है। फर्स्ट डाउट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। ये सेकेंड डाउट मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ इस सीरीज़ के अंडर में। And this is asked by a student from Fitji Ranchi. Doubt source, daily practice problem sheet जो मिलती है Fitji में, ये उससे क्वेश्चन पूछा गया है। ये एट्थ क्वेश्चन हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। एट्थ क्वेश्चन, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टेन इज लेस देन एट माइनस एक्स। इस क्वेश्चन को भी हम लोग ट्राई करेंगे सॉल्व करने का। बट सॉल्व करने से पहले एक खास बात कि सभी लोग इस क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट कर ले, उसके बाद ही सॉल्यूशन को देखें। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको दो तीन कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए। एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्क्वायर रूट के अंदर जो क्वांटिटी है वो किस टाइप की क्वांटिटी हो सकती है। स्क्वायर रूट के बारे में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। सेकंड जो आपको पता होना चाहिए वो वेवी कर्व मेथड आपको यूज़ करना आना चाहिए, ठीक है। जब एक क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन रहे या फिर कोई इनइक्वेशन जो हायर डिग्रीज का हो, उसको फैक्टराइज करें कैसे वेवी कर्व मेथड सॉल्व करते हैं, वो आपको आना चाहिए। एंड थर्ड जो आपको पता होना चाहिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स में क्या प्रॉब्लम आ सकती है, वो पता हो तो और बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए, ठीक है। मे बी इस क्वेश्चन में रिक्वायर्ड ना हो, बट ऐसे किसी भी क्वेश्चन में जहाँ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया जाएगा तो आपको उसका लिमिटेशन पता होना चाहिए कि कब कब उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। आओ इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। और सभी लोगों से फिर से वही रिक्वेस्ट कि वीडियो को पॉज कर ले और खुद से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर ले, उसके बाद सॉल्यूशन को देखें, कंपेयर कर ले सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। सॉल्यूशन का स्टार्ट करते हैं। स्टेप, पहला स्टेप, मैं देख रहा हूँ रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टेन लिखा हुआ मुझे दिख रहा है। जब भी कोई टर्म रूट के अंदर लिखा होता है तो पहली बात मेरे दिमाग में यह आती है कि स्क्वायर रूट के अंदर जो भी टर्म है वो होना चाहिए कैसा, वो कभी निगेटिव नहीं होना चाहिए। रूट के अंदर निगेटिव होगा तो एक्स की जो वैल्यूज आएंगी वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स, उसे जाना स्टार्ट हो जाएगा। हमें रियल नंबर्स में काम करना है। तो रूट के अंदर जो भी टर्म्स हैं वो, जो भी क्वांटिटी है रूट के अंदर, वो पॉजिटिव होनी चाहिए या जीरो हो सकता है, ठीक है। दैट मीन्स कि एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टेन, दिस हैज़ टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। इसको फैक्टराइज करते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो चलो टेन फैक्टर, टेन जो है वो दो नंबर्स का प्रोडक्ट होना चाहिए और डिफरेंस थ्री का होना चाहिए नंबर्स के बीच में, तो फाइव एंड टू। तो एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस टू एक्स माइनस टेन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। एक्स कॉमन निकल जाएगा तो ये आ जाएगा एक्स माइनस फाइव। बाकी के टर्म्स में से टू कॉमन निकल जाएगा तो ये आ जाएगा एक्स माइनस फाइव। बहुत अच्छे, एक्स माइनस फाइव एक कॉमन फैक्टर आ गया है, उसको बाहर निकाल लो तो क्या बचेगा रिमेनिंग, एक्स माइनस फाइव मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस टू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। बिल्कुल ठीक है, वेवी कर्व सॉल्व करना अगर आता हो तो यहाँ पे पुट कर सकते हैं इसके रूट्स माइनस टू एंड फाइव, एंड साइंस को अल्टरनेट कर सकते हैं प्लस माइनस प्लस। दैट मींस कि एक्स की वैल्यू अगर फाइव से बड़ी हो तब ये प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, या एक्स की वैल्यू माइनस टू से छोटी हो तब ये प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। अगर नंबर माइनस टू और फाइव के बीच में होगा, इनमें से एक वैल्यू पॉजिटिव और एक निगेटिव आ जाएगा, इसका प्रोडक्ट निगेटिव आना शुरू हो जाएगा। ये इसके पीछे कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो एक्स की वैल्यूज आ रही है वो क्या होंगी, एक्स की वैल्यू फाइव से ग्रेटर या फाइव के इक्वल टू भी चलेगा, क्यों, बिकॉज यहाँ पे इक्वल टू जीरो का भी था ऑप्शन, ठीक है। ये ग्रेटर देन और इक्वल टू फाइव हो सकता है, और क्या हो सकता है, माइनस टू से छोटा होना चाहिए। तो माइनस टू से छोटा या माइनस टू के इक्वल टू भी चलेगा, माइनस टू से छोटा या माइनस टू के इक्वल टू, ये दो कंडीशंस हमारे पास निकल के आ गई हैं। आओ आगे इस क्वेश्चन को फिर फर्दर सॉल्व करते हैं। बस कंडीशंस लिख के रखते हैं हम लोग, रिमेनिंग पार्ट्स को हम लोग इरेज कर लेंगे, सिर्फ कंडीशन को लिख के रखते हैं, ठीक है। ये दो कंडीशंस आ गए। अब नेक्स्ट क्या करना है, हमने एक इनइक्वेशन दिया हुआ है जिसके दो साइड्स हैं, एक साइड स्क्वायर रूट है, तो बेस्ट काम क्या कर सकते हैं हम लोग, एक ही स्क्वायर रूट है, बहुत ही अच्छी बात है, एक ही स्क्वायर रूट है लेफ्ट हैंड साइड में। अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, देखते हैं जरा स्टेप में क्या होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो राइट हैंड साइड में तो बहुत ही सिंपल सा स्टेप हुआ, क्या हुआ,
राइट हैंड साइड में 8 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो गया, बहुत अच्छा। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या हुआ, एक स्क्वायर रूट दिया हुआ था हम लोगों को, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, इसको स्क्वायर कर दिया। तो स्क्वायर रूट का स्क्वायर करेंगे तो वो रूट क्या हो जाएगा, इसको पावर हाफ लिख के कैंसिल भी कर सकते हैं, तो ये रूट खत्म हो जाएगा। स्क्वायर रूट का स्क्वायर करने के टाइम रूट खत्म, जैसे रूट थ्री का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब रूट थ्री मल्टीप्लाइड बाई रूट थ्री कितना आएगा, ये 3 आ जाएगा, ठीक है ना, ये क्लियर है सबको, इसमें तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। या फिर इसको एक और तरीके से कर सकते हैं सॉल्व, अगर सिंप्लीफाई करने का एक और तरीका यूज़ किया जाए तो रूट थ्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर इसमें सॉल्व करने के लिए रूट थ्री को हम लोग लिख सकते हैं 3 to the power half, ठीक है, और उसका स्क्वायर, तो पावर क्या हो जाते हैं यहाँ पर कैंसिल आउट, तो ये आ जाता है 3, ठीक है। तो यहाँ पे भी रूट है, रूट का स्क्वायर करें तो रूट खत्म हो जाएगा, तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज लेस देन 8 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 64 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 16x, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, दोनों तरफ से अगर देखा जाए तो एक्स स्क्वायर सेम है, कैंसिल हो जाएगा। अगर एक्स वाले टर्म्स को लेफ्ट में लेके जाएं और जो बाकी नंबर्स हैं उनको राइट पे लेके आते हैं, ठीक है, 64 इधर था, -10 को इधर लेके आएंगे तो ये +10 हो जाएगा, और 16x उधर जाएगा तो 16x माइनस 3x, 13x इज लेस देन 74, ये कंडीशन है। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स की वैल्यू लेस देन क्या हो जाएगा यहाँ पर, 74/13। चलो ये कोई होल नंबर नहीं आया यहाँ पे सॉल्व होकर के, कोई बात नहीं, तो हमारे पास एक और कंडीशन निकल रहा है कि एक्स की वैल्यू लेस देन 74/13। अब पूरे नंबर लाइन को इमेजिन करते हैं और ये कंडीशंस को देखते हैं, इस कंडीशन में क्या क्या इंटरवल आता है हमारे पास, ठीक है, इसमें कौन कौन से वैल्यूज आएंगी। -2 से छोटे सारे नंबर इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, इन कंडीशन को सेटिस्फाई कौन कर रहा है, -2 से छोटे सारे नंबर सेटिस्फाई कर रहे हैं, अप टू माइनस टू भी कर रहा है, अप टू माइनस टू चलेगा सब कुछ। इसका सॉल्यूशन हो जाएगा -∞ से लेकर के -2, -2 स्क्वायर ब्रैकेट में आना चाहिए बिकॉज वो भी इंक्लूडेड है, और -∞ ओपन ब्रैकेट में रहेगा बिकॉज ऐसा कोई नंबर है नहीं, वो एक सिर्फ कॉन्सेप्ट है, उसको इंक्लूड कभी नहीं कर सकते। यूनियन और क्या इंटरवल है यहाँ पर, और इंटरवल 5 से बड़ा होना चाहिए नंबर, 5 से ग्रेटर देन या उसके इक्वल टू भी चलेगा। तो क्लोज यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट आ गया, कहाँ तक जा सकता है मैक्सिमम, कहाँ तक जा सकते हैं हम लोग, 74/13, लेकिन वहाँ पे इक्वल टू नहीं है, 74/13 से छोटा हो सकता है नंबर, उसके इक्वल टू नहीं है, तो यहाँ पे पैरेंथेसिस यूज़ करेंगे, ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट एंड ओपन ब्रैकेट कहा जाता है इसको, ठीक है। तो ये हुआ इसका फाइनल आंसर, -∞ से -2, यूनियन 5 से 74/13। ये टॉपिक था इन इक्वेशन, ये डाउट नंबर 2 था, ओके। पहला डाउट जो हम लोगों ने डिस्कस किया था वो एलन के एक स्टूडेंट ने पूछा था मॉडुलस के ऊपर, वो समझना चाह रही थी, तो वो हमने डिस्कस किया था एक लाइव सेशन में, ठीक है, यहीं पे एंड करते हैं हम लोग।